हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बेस्ट टॉप लोड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट रहेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होगी, कितना वाटर लेवल उसका कंजप्शन होगा, और क्या वो आपको एक प्रॉपर क्लॉथ वॉशिंग प्रोवाइड कर पाएगी। तो ऐसे में जब भी हम एक बजट इन्वेस्ट करते हैं, तो उस बजट को इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जब एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो वो 5 साल 8 साल इवन 10-10 साल तक के लिए हम इंडियन हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। तो ऐसे में जो आपका फर्स्ट डिसीजन होना चाहिए वही राइट डिसीजन होना चाहिए। तो वो फर्स्ट डिसीजन को हम राइट डिसीजन तभी बना पाएंगे जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। तो इस वीडियो से पहले मैंने दोस्तों बेस्ट वॉशिंग मशीन की बाइंग गाइड बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, प्लास्टिक ड्रम और स्टेनलेस स्टील ड्रम में क्या फर्क है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने उस वीडियो में बात करी है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो वीडियो में देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शॉपिंग बाजार। दोस्तों अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक वॉशिंग मशीन लेने से पहले जान लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में काफी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मेन जो पार्ट होता है ना वॉशिंग मशीन का, वो उसका ड्रम होता है, उसकी मोटर होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है। तो ऐसे में ये पॉइंट आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप जितनी भी मार्केट में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखेंगे उन सभी में आपको प्लास्टिक ड्रम मिलता है, जबकि अगर आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर देखें तो स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों आरपीएम, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि आपकी वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है वो कितने आरपीएम पे रन करता है और आपके कपड़ों को अच्छे से धोता है। तो ऐसे में एक वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आपको उसका आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट चेक कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि आपको जब भी कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसकी स्टार रेटिंग जरूर चेक कर ले कि उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना है। बेसिकली जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है एज कंपेयर टू फुली ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट तो होती होती है, साथ ही में इनका जो वाटर कंजप्शन होता है वो भी लो होता है एज कंपेयर टू फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वारंटी ऑन वॉशिंग मशीन। आपको मार्केट में जितनी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखने को मिलती है उन सभी पर आपको 2 साल तक की वारंटी मिल जाती है, और उनकी मोटर पर आपको 5 साल तक की वारंटी देखने को मिलती है। और वही हम फुली ऑटोमेटिक से कंपेयर करें तो वहां पे आपको 10 साल तक की वारंटी देखने को मिलती है। नाउ दोस्तों हमने एक वॉशिंग मशीन भी पसंद कर ली, उसका आरपीएम भी देख लिया, उसका ड्रम मटेरियल भी देख लिया, उसकी वारंटी भी देख ली, लेकिन एक वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, और वो क्या मैं बता देता हूं। बेसिकली आप जब भी एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो हमें पता है कि हम उसे 5 साल 8 साल इवन 10-10 साल तक यूज करेंगे, तो ऐसे में इन फ्यूचर आपको उसकी मेंटेनेंस या सर्विस की जरूरत पड़ सकती है। तो आप एक प्रोडक्ट खरीदने से पहले, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या कोई सा भी प्रोडक्ट हो, उसका नियर बाय सर्विस सेंटर जरूर पता करें। नाउ अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया में आने वाली बेस्ट टॉप लोड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट की। अब यहां पर नंबर 1 पर हमारी तरफ से आती है दोस्तों सैमसंग की 7.2 kg की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। 7.2 kg की कैपेसिटी मिलती है, मतलब मीडियम साइज फैमिली के सूटेबल है, जिसमें 3 से 4 मेंबर हो। बात करें आरपीएम की तो 740 आरपीएम आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है, जो कि आपको बेटर वॉश क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आपको पता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसका जो वाटर कंजप्शन है वो भी लो है और इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट भी है। बात करें इसके ड्रम मटेरियल की तो प्लास्टिक टाइप ड्रम आपको इसमें देखने को मिलता है। बात करें इस वॉशिंग मशीन के स्पेशल फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको लिंट फिल्टर, चाइल्ड लॉक जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है, और डुअल जेट सिस्टम, और साथ ही साथ बजर अलार्म मिल जाता है। बजर अलार्म क्या करता है, जब आप कभी कपड़े धोते हैं और आपके कपड़े का आप टाइमर सेट कर देते हो, तो जैसे ही कपड़े का साइकिल पूरा होगा वो आपको इंडिकेट कर देगी वॉशिंग मशीन एज अलार्म के थ्रू, और आपको पता लग जाएगा कि मेरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। बात करें वारंटी की दोस्तों इस वॉशिंग मशीन की, तो 2 ईयर्स की वारंटी आपको इस वॉशिंग मशीन में मिल जाती है, और वहीं 5 ईयर्स की वारंटी आपको इसकी मोटर पर देखने को मिलती है। बात करें प्राइस की तो 9,699 रुपये इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है आज की डेट में। ये वॉशिंग मशीन भी दोस्तों बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके घर के लिए, और बात करें इसकी एफिशिएंसी की तो काफी अच्छी है। इस वॉशिंग मशीन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वॉशिंग मशीन की तरफ। अब नंबर 2 पर हमारी तरफ से आती है दोस्तों वर्लपूल की 7 kg 5-star सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। बात करें जो उसका ड्रम है, उसका जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर की है, मतलब आप इसमें आराम से अच्छे से कपड़े धो सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक चीज आपको मैं बता दूं, जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो उसे आप 75% तक ही फिल करें, क्योंकि आपको ऐसे में बेटर वॉशिंग एफिशिएंसी देखने को मिलती है। बात करें इस वॉशिंग मशीन के आरपीएम की, तो इसमें आपको 1400 rpm देखने को मिलता है। वहीं इसके कंट्रोल पैनल की बात करूं तो पूरा के पूरा वाटरप्रूफ कंट्रोल पैनल आपको इस वॉशिंग मशीन में मिलता है। ड्रम मटेरियल की बात करूं दोस्तों, तो वही प्लास्टिक का ड्रम इसमें आपको देखने को मिलता है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको ऑटो रिस्टार्ट
स्टार्ट फीचर और वही बजर अलार्म का फंक्शन मिल जाता है। बात करें वारंटी की तो 2 ईयर्स की वारंटी आपको वॉशिंग मशीन पे देखने को मिलती है और 5 ईयर्स की वारंटी आपको मोटर पे मिलती है। बात करें प्राइस की दोस्तों 10,470 रुपए इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है आज की डेट में। इस वॉशिंग मशीन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड वॉशिंग मशीन की तरफ। अब नंबर थर्ड पे हमारी तरफ से आती है दोस्तों LG की 8 kg 5-star सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये भी 8 kg की कैपेसिटी के साथ आती है, मतलब मीडियम साइज फैमिली के लिए सूटेबल है जिसमें 4 से 5 मेंबर हो। बात करूं इसके RPM की तो 1300 रेवोल्यूशन पर मिनट आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। ड्रम मटेरियल की बात करूं दोस्तों तो प्लास्टिक टाइप ड्रम आपको इस वॉशिंग मशीन में मिलता है। इस वॉशिंग मशीन में आपको 4 वॉश प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। वहीं इसके स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको रोलर जेट पल्सेटर, रेट अवे टेक्नोलॉजी और फास्टर ड्राइंग फीचर मिल जाता है जो कि आपके कपड़ों को फास्टली सुखाने का काम करता है। बात करें वारंटी की तो 2 ईयर्स की वारंटी आपको वॉशिंग मशीन पे मिलती है और वहीं 5 ईयर्स की वारंटी आपको इसकी मोटर पे मिल जाती है। बात करें प्राइस की दोस्तों तो 14,780 रुपए इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है आज की डेट में। यह भी काफी अच्छी वॉशिंग मशीन है, इसकी जो एफिशिएंसी वो भी काफी अच्छी है और LG का जो आफ्टर सेल सर्विस होता है वो भी काफी अच्छा होता है। तो इस वॉशिंग मशीन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फोर्थ नंबर पर हमारी तरफ से आती है दोस्तों Amazon Basic की 10.2 kg की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। 10.2 kg की कैपेसिटी है, मतलब मीडियम साइज फैमिली के लिए सूटेबल है जिसमें 5 से 6 मेंबर हो। बात करें RPM की तो 1300 RPM इस वॉशिंग मशीन में आपको देखने को मिलता है। ड्रम मटेरियल की बात करूं तो वही प्लास्टिक टाइप ड्रम इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है और वही 2 वॉश प्रोग्राम के साथ ये वॉशिंग मशीन आपको मिलती है। ये वॉशिंग मशीन भी प्लास्टिक बॉडी के साथ आती है, मतलब रस्टिंग के कोई चांसेस नहीं है। इसमें आपको पंच टाइप पल्सेटर मिल जाता है जो कि आपको बेटर वॉशिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। बात करें वारंटी की तो 2 ईयर्स की वारंटी आपको वॉशिंग मशीन पे मिल जाती है और वही 5 ईयर्स की वारंटी आपको इसकी मोटर पे मिलती है। बात करें प्राइस की दोस्तों तो 13,999 रुपए इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है आज की डेट में। यह भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते फिफ्थ और लास्ट नंबर की वॉशिंग मशीन की तरफ। अब फिफ्थ नंबर पे हमारी तरफ से आती है दोस्तों LG की 11 kg 5-star सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। 11 kg की कैपेसिटी मिलती है, मतलब लार्ज फैमिली के लिए सूटेबल है जिसमें 5 से 6 मेंबर हो। रेवोल्यूशन पर मिनट की बात करूं तो 1300 RPM इस वॉशिंग मशीन में आपको देखने को मिलता है। बात करें ड्रम मटेरियल की तो वही प्लास्टिक ड्रम मटेरियल आपको इसमें मिलता है। बात करें स्पेशल फीचर्स की तो रोलर जेट पल्सेटर, कॉलर स्क्रबर और रेट अवे फीचर्स आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। कॉलर स्क्रबर फीचर क्या होता है दोस्तों, जो हम शर्ट पाते हैं उसके जो कॉलर होते हैं वो काफी गंदे हो जाते हैं, तो ऐसे में उसको अच्छे से साफ करने का काम ये टेक्नोलॉजी करती है। बात करूं बॉडी की तो प्लास्टिक बॉडी मिलती है, मतलब रस्टिंग के कोई चांसेस नहीं है। वहीं इसमें आपको ऑटो रिस्टार्ट का फीचर भी मिल जाता है। और बात करें वारंटी की तो 2 ईयर्स की वारंटी आपको वॉशिंग मशीन पे मिलती है और 5 ईयर्स की वारंटी आपको इसके मोटर पे मिलती है। बात करें प्राइस की दोस्तों तो 17,290 रुपए इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है आज की डेट में। दोस्तों इस लिस्ट की सबसे हायर कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन है 11 kg की। अगर आपकी फैमिली लार्ज फैमिली है तो आप इस वॉशिंग मशीन को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी फैमिली लार्ज है। तो ये वो 5 ऐसी बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी इंडिया के अंदर जो आपके घर के लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। इन सभी वॉशिंग मशीन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे वॉशिंग मशीन बाय करने से पहले। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड या अदर किसी अप्लायंसेस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और मुझे मोटिवेशन मिल पाए कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।